सिंहिया नगर पंचायत मेयर मुर्दाबाद, सिंहिया नगर पंचायत मेयर मुर्दाबाद। ये देखिए तो पूरा परिवार यहाँ मर रहा है, इसका समस्या सब कौन लेगा? चार गो बकरी मर चुका है पानी के कारण, बताइए। चार गो बकरी मर चुका है पानी के कारण, चार गो बकरी मर चुका है पानी के कारण। सबका हाल देख लीजिए, अभी सामने में क्या नाम हुआ आपका? देवानंद गिरी। यह जो आप लोग सड़क जाम किए हैं, किस कारण से जाम किया? जाम किया इसलिए मान लीजिए रात बिरात सब बाल बच्चा सब निकल रहे हैं, बकरी जागरी जाल माल सब है, यहाँ पे पानी का जलसंख्या लगा हुआ है। कितने दिनों से यह पानी लगा हुआ? ये पानी हर समय लग रहा है, हर समय लग रहा है। हाँ जी, इसकी जानकारी आप लोग? इसकी जानकारी चेयरमैन को बोला गया है, जो चेयरमैन इसके बात को सुन लिया, हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? चेयरमैन के द्वारा क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अभी तक आए भी नहीं? नहीं अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं नहीं आए। सुबह से अभी तक मैं लोग लगा रखे हैं, खाना पीना छोड़ कर पूरा लोग लगा हुए हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? कितना? अरे फोन बहुत देर से किए हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं अभी तक, बताइए। उनको आने में शर्म लगता है, इसका मतलब इससे स्पष्ट है जो जनता डूबा मरा उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। जब वोट लेने का जरूरत आता है तक नहीं आता है पैर हाथ पकड़ने के लिए, उस बताइए उस चेयरमैन का क्या किया जाए? जगह यहाँ के उप चेयरमैन जो है, यहाँ के उप चेयरमैन है, उसके द्वारा क्या बताया जा रहा है? चेयरमैन का यही बताया जा रहा है, जब वोट लेने के लिए आते हैं तब बोलते हैं सब समस्या सोल्व करेंगे, उसको भी सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं, अभी तक चेयरमैन क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? चेयरमैन का कोई गलती नहीं है, वो सुबह से हम लोग के साथ है, आप लोग के साथ है। और वो चेयरमैन को भी फोन करके बार बार रिक्वेस्ट किया जाए आप आइए यहाँ पर, यहाँ पर रोड जाम कर रखा है, पब्लिक हंगामा कर रहा है, लेकिन वो आने का एक बार भी नाम नहीं दिए हैं। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा, ये देखिए अभी पानी पर धो रहा है, ये देखिए छोटा बच्चा भी पानी। अच्छा चाची, ये पानी दे जाए छे तो कठिनाई के सामना करे पड़े छे, एकर शिकायत केकरा से लिए है अभी तक? बीस लाख के गाड़ी पर ले, लेकिन आहार कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आई कुछ ना करे छे बउआ, ई चेयरमैन से किसान सलाहकार रहा तो घूस खात रहा तो लोग कर आधा पर पैसा लेत रहा, हम जे हमर 10,000 का आम तोड़ ललकै आ ओकर आ चुप रहवा, ओकरा जे हम दल गेलिए हम एप्लीकेशन 3 महीना भए गेल आज तक रिटर्न नहीं हमरा पैसा। अयो दरखास्त जाय छै नै बुझलियै, एहन सिंटुआ छै चेयरमैन बनले पब्लिक के सेवा जनता के सेवा हम करेंगे। चाची केना अहाँ जाय आबै छियै पानी में? बउआ नरक में जाय, नरक में छियै, इतना पानी जे लागै छै बाल बच्चा के साथ जे नरक के में जाय, बीमारी के घर छै ना, बीमारी के घर छै। अगर जे खर्चा रहतै बात मान लियो, बाद में कोइ तरह के बच्चा देखियो कितना के बच्चा छै, देखियो उठा के देखा रहल छी, देखियो इतना के बच्चा, अगर की हाल होतै अभी के देतै की समस्या होय छै चाची पानी दे के जाय में? चाची चाची यहाँ चेयरमैन के बात करे छे, उप चेयरमैनो तो तेहने छे, वो तो नहीं आबे है? सुबह से 10 बार फोन कह चुकले हैं चेयरमैन, अभी तक किया नहीं ले, उप चमचा के भेजे छे जगह, चमचा हाँ वो अपने किया ना बचे जगह पर, मैन मुस्ता पर आवे ना, कोई भी चेयरमैन जो है कोई भी मालिक है जरा हम इंक्वेस्ट करे तो वो आदमी आवे ना चाहिए जगह पर, वो आदमी किया ना रहा है, किया आली बाली के भेज रहा है, अपने आते हैं गाड़ी पे चढ़ के, अपने गाड़ी पर चढ़ के पानी नहीं उतरेंगे, पैर में पानी लग जाएगा, पानी छे तो नहीं उतरेंगे जी हाँ। यह घाट नहीं, अभी चाची बोला है, चाची क्या बोला है? 20 लाख का गाड़ी पर आया है लेकिन नीचे नहीं उतरा, ये कहानी क्या हो रहा है? पानी लग जाएगा उनके पैर में, पैर में पानी लग जाएगा, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? वजह भाग इतना छोटा बच्चा है, कल के डेट में कोई तरह का बात होगा क्या वो देगा? ये समस्या आज का नहीं है, ये पंचायती राज्य था उस समय से ये समस्या है, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। और इसके लिए हम लोग बड़े पदाधिकारी से बात किए, कई बार मतलब आप लोग के द्वारा भी हम लोग खबर पहुंचाए, लेकिन तब से लेके अभी नगर पंचायत हो गया है, अभी तक इस समस्या का समाधान सुनने वाला कोई नहीं है, ना कोई करने वाला है। हम अभी थोड़ा देर पहले चेयरमैन से बात किए, उन्होंने बोला जो हम अभी नहीं आ रहे हैं, हम आपको वहां पर आदमी भेज रहे हैं जल निकासी के लिए। अभी से आधा घंटा पहले अभी तक उनका कोई तरह का मतलब रिस्पॉन्स वापस नहीं आया है। कहने का मतलब ये हुआ जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, किसने चुनते हैं,
अपने समस्या के समाधान के लिए, समाधान के लिए। यदि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आप कैसा प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि का मतलब होता है जन जन की बात सुनना और हर एक समस्या का समाधान करना उनका दायित्व बनता है। ये उनका बहुत कर्तव्यहीन वाला काम है। इसलिए हम लोग जितने भी यहाँ पर आने जाने वाले और अस्थायी निवासी हैं बहुत नाखुश हैं। और यहाँ पर देखते हैं ना, समय समय पर मेयर मुर्दाबाद मेयर हाई हाई के नारा लगाते हैं, और उनको आना चाहिए, एक बार कम से कम एक बार आके यहाँ का समस्या सुनना चाहिए, क्या समस्या है, समस्या का निदान करना चाहिए, हाँ आश्वासन देना चाहिए। अभी नहीं हुआ एक घंटा के बाद, अभी नहीं हुआ तो कल, लेकिन नहीं तो यह जाम कितने देर में आप लोग छोड़ देंगे? नहीं आएंगे, जाम नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू सिंह। अच्छा पिंटू जी, यह बताइए यह जल की समस्या कितनों दिनों से बनी हुई है? ये तो सालों सालों से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के चेयरमैन हुए, उप चेयरमैन हुए और उसके बाद वार्ड पार्षद हुए, उनको यह जानकारी देने के बाद यह क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा मेंबर जो वार्ड मेंबर है, इसका वार्ड पार्षद जो है, उसको मैंने सवेरे से बंधक बना के रखे, बंधक बना के रखे बने हुए हैं उसको, उसको बोले हैं तब तक बैठिए जब तक इसका निराकरण नहीं होगा। और जो है दो घंटा पहले उप चेयरमैन भी आए थे, बात विचार किए, वो भी बोले जब फोन कर रहे हैं आ नहीं रहे हैं, तो उसका वो भी बेचारा बैठे हुए हैं वो भी, लेकिन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं, चेयरमैन को फोन किया जा रहा है वो, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग तब तक रोड नहीं खाली छोड़ेंगे तब तक जब तक ये जो है क्लियर नहीं होगा, जीना मुश्किल हो गया। यह जाम अभी नहीं खाली होगा? जी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। इस ये वार्ड नंबर 5 या 12 जो है सिंहा मुख्य मार्ग से लेकर तारा मुख्य मार्ग तक जाती है, यहाँ पे कई जो है महीनों से जो है जल जमाव की समस्या रहती है। और इन ग्रामीणों के द्वारा जो है मेयर साहब को भी या उप मेयर साहब को भी आवेदन दिया गया, लेकिन मैं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विक्की कुमार बोलते हैं कि मैंने इस विषय में ईओ साहब से भी बात की, तो उन्होंने जो है इस इन पे जो है अपना आए, उसके बाद ईओ साहब जो है इंजीनियर साहब को बोले कि अपना एस्टीमेट अपना लिख के दिए थे, तो उसके बाद जो है बाइकट जो है गड्ढा है पीछे में बगल में, तो एस्टीमेट 140 फीट का जो है पाइप का जो है एस्टीमेट बना था, और उसमें उसके बाद बोले कि ये जो प्रावधान जो है कल से परसों तक में हो जाएगा 1 से 2, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी जो है इस सबको झूठा आश्वासन मेयर भी देते रहे, कार्यपालक पदाधिकारी भी देते रहते हैं, बिल्कुल एक प्रकार का काम नहीं। अगर मेयर झूठा आश्वासन दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ है, फिर जनता की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? जनता का समस्या का समाधान मेयर साहब नहीं कर रहे हैं, मेयर साहब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्या करा जाए? आप यहाँ के आप वार्ड पार्षद हैं, क्या कहना चाहते हैं समस्या को देख करके? सर हम क्या कहेंगे, बस यही सब देख रहे हैं, जनता जो बोल रही है बस बात सब सही है, जनता के बस बार बार आ रहे हैं, मेयर साहब आ रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, जेई साहब आए हैं। अभी अभी यहाँ पे देखा गया जो मेयर मुर्दाबाद के भी नारा लगाया गया है, इससे तो कहीं ना कहीं मेयर साहब को कुछ तकलीफ होगी, परेशानी बढ़ेगा, हर एक चीज में परेशानी बढ़ेगा। मतलब आज तक मान चलिए 1.5 महीना होने जा रहा है, करीब मोटा मोटी 1.5 महीना हो गया है, नापी करके ले गए, कल करवा रहे हैं, परसों करवा रहे हैं, आज मान चलिए कन्या विवाह स्कूल हुआ, हाई स्कूल हुआ, मिडिल स्कूल हुआ, माँ भगवती स्थान हुआ, टोटल पब्लिक बच्चा से लेकर के पब्लिक टोटल जा रहे हैं, कहीं कोई आश्वासन मिल रहा है आज हो रहा है कल हो रहा है, बस इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग सुबह के उठ करके पूजा करने माँ भगवती के जाते होंगे स्थान, हाँ। और इस गंदा पानी में जाते होंगे, क्या कितना उसको तकलीफ हो रहा है? कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वही कहानी में ये घटना हो रहा है, पानी में डूब जाता है, बताइए। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर शर्मा। वार्ड पार्षद कितना वार्ड नंबर के हैं? 5।